सबसे पहले दोस्तों आप स्क्रीन पर लाइव प्रूफ आप देख सकते हैं कि एक ऐसी बैंक के अंदर हमने एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया है, जहां पर अकाउंट ओपन करने के बाद में इंस्टेंट ही पूरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, जैसे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी, ये सब कुछ हमें मिल चुका है। और इस बैंक अकाउंट को जब हमने ओपन किया तो वहां पर हमें आधार ओटीपी शेयर करना नहीं पड़ा है, ना तो हमें पैन कार्ड लगाना पड़ा है और ना ही हमें वीडियो केवाईसी करना पड़ा है। इन सब चीज़ों के बिना हमें अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मिल गई है। और ये ऐसी बैंक में हम आपको अकाउंट ओपन करने का पूरा लाइव प्रोसेस दिखाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं केरला ग्रामीण बैंक के अंदर एक DGKGB अकाउंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे घर बैठे मोबाइल फ़ोन के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको एक बार भी ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करने के बाद में इंस्टेंट अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इससे आप इसकी मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर पाओगे और UPI बैंकिंग भी चालू कर पाओगे, क्योंकि डेबिट कार्ड भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस को भी आप यूज़ कर सकते हो। अब जो भाई हमारे कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर नहीं लिंक है और वो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, पैन कार्ड नहीं है और वो वीडियो KYC नहीं करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप ये वाला अकाउंट ओपन कर सकते हो। इस अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे इसके मोबाइल बैंकिंग को चालू करेंगे, कैसे दोस्तों हमें डेबिट कार्ड मिलेगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर लाइव देखने को मिल जाएगा। वीडियो दोस्तों काफ़ी उस वाले वीडियो को पूरा देखना, और अगर आपको जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर हम इस कमाल की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप केरला ग्रामीण बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वो भी दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट आपको ओपन करना है, तो इस पेज पर आ जाएंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि केरला बैंक की तरफ से आपको DGKGB एक अकाउंट प्रोवाइड कराया जाता है, और इस अकाउंट को जरिए आधार कार्ड, पैन कार्ड के आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। साथ ही यहां पर दोस्तों आपको आधार OTP शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास मात्र आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू ओपन हो जाएगा, पैन कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको मिल जाएगा। सर्विसेज चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस अकाउंट के अंदर आपको 1 रुपया मेंटेन करके नहीं रखना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अकाउंट को बहुत आसानी के साथ में यहाँ पर ओपन किया जा सकता है। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, देखेंगे हाउ टू ओपन सेल्फी अकाउंट। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर साफ साफ दोस्तों आपको बताया गया है कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो मात्र आधार कार्ड के ही थ्रू आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहां पर फीचर्स की बात करें तो यहां पर आपको टोटल जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा। अकाउंट ओपन करेंगे, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब कुछ आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। मोबाइल बैंकिंग तुरंत चालू कर पाओगे, इंटरनेट बैंकिंग को आप चालू कर पाओगे। अब अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, यार दोस्तों आप यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद में दोस्तों प्ले स्टोर पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आपको DGKGB इन्फो एंड सेल्फी एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर से आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर इस बॉक्स में आप यहाँ पर टाइप करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से कस्टमर रजिस्ट्रेशन का सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है कि अगर आपका पहले से इसके अंदर अकाउंट ओपन है तो ऑलरेडी एव है अन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ओपन अन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अगर OTP एक बार में नहीं जाती है तो आप रिसेंट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दोबारा से OTP जाएगी, OTP टाइप करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अब आपको आधार नंबर को टाइप करना होगा, तो देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर पैन कार्ड कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका आधार नंबर है तो आधार नंबर इस बॉक्स में टाइप करेंगे और एक ईमेल ID आप यहाँ पर टाइप कर देंगे, पैन कार्ड को फ्री छोड़ देंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि क्लिक हेयर टू टेक ए फोटो का ऑप्शन आ जाएगा, आपको दोस्तों यहां पर क्लिक करना है। जिनका आप अकाउंट ओपन करेंगे यहां पर क्लिक करके उनके एक सेल्फी यहां पर जो है कैप्चर करेंगे, और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं अगर सेल्फी क्लियर है तो आप यहाँ पर डन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फ्रंट साइड ऑफ आधार कार्ड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आधार कार्ड की एक फोटो को क्लिक करना है, वो भी फ्रंट साइड।
अगर आधार कार्ड की बिल्कुल फोटो क्लियर है तो आप देख सकते हैं ओके करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों देख सकते हैं कि बैक साइड आधार कार्ड की आपको फोटो अपलोड करना होगा तो क्लिक करेंगे, फोटो को अपलोड करेंगे। अगर आधार कार्ड की फोटो क्लियर है तो आप यहां पर डन करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं ये वाली डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जिनका अकाउंट ओपन करेंगे उनका नाम टाइप करेंगे और यहाँ पर उनके पिताजी का नाम टाइप करेंगे, यहाँ पर माता जी का नाम टाइप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों आपको यहां पर कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उनकी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना है। याद रहे कि ये डेट ऑफ बर्थ उनके आधार कार्ड पर होनी चाहिए और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर कुछ चीज़ें आपको फिल करना होगा, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं सिलेक्ट करेंगे, पोस्ट ऑफिस आपका कौन सा लगता है सिलेक्ट करेंगे, बाकी एड्रेस लाइन वन में एड्रेस को फिल करेंगे और एड्रेस लाइन टू में एड्रेस को फिल करेंगे और इसके बाद में आप यहां पर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे जेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, मेल है या फीमेल सेलेक्ट करेंगे, रिलीजन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप अपने धर्म को सेलेक्ट करेंगे, कास्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप अपनी कास्ट को सेलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप क्या काम करते हैं अपने काम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आपको एनुअल इनकम का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एक साल में कितने पैसे आप कमा लेते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप कितना पढ़े हुए हैं सेलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में कंटिन्यू। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। पहला यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर आप बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नॉमिनी का नाम टाइप करेंगे, रिलेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अकाउंट होल्डर और नॉमिनी का रिलेशन क्या सेलेक्ट करेंगे। अगर अकाउंट होल्डर का और नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर चेकआउट करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट को ओपन करना है, तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रांच के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कौन सी ब्रांच में आपको अकाउंट ओपन करना है अपने ब्रांच का नाम यहां पर सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक वार्निंग आपको शो हो जाएगी, यहां पर बताया गया है कि अभी अगर आप डिटेल्स में कोई करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं वरना ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनली इसके बाद में देखेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल मिल जाएगी, जैसे अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा और नीचे ब्रांच डिटेल्स में आपका ब्रांच का नाम, आईएफएससी कोड, फोन नंबर और एक ईमेल आईडी मिल जाएगी। इसी के नीचे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके इस फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसके पिन को सेट करना चाहते हैं, मोबाइल बैंकिंग चालू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर इसके मोबाइल बैंकिंग को चालू करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मिल गए हैं, आप यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद में जो 4 डिजिट का पिन सेट करना चाहते हैं 4 डिजिट का पिन टाइप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसी तरीके से दोबारा से 4 डिजिट का पिन टाइप करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपका नाम और आपका सेविंग अकाउंट नंबर मिल जाएगा, यहाँ से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और साथ ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपने लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अकाउंट का सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पर अपनी ब्रांच को लोकेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से केरला बैंक के अंदर एक घर बैठे ही अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों आपने देख लिया कि केरला ग्रामीण बैंक के अंदर DGKGB अकाउंट को घर बैठे मोबाइल फ़ोन के थ्रू कैसे ओपन कर सकते हैं। आपने भी यहां पर लाइव देख लिया क्योंकि हमने आधार कार्ड की फोटो क्लिक करके अकाउंट ओपन करा, पैन कार्ड को हमने फिल नहीं किया और ना हमें वीडियो KYC करना पड़ा है, अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है और यहाँ पर इसकी मोबाइल बैंकिंग भी हमने इस वीडियो के अंदर आपको चालू करके दिखा दिया है। अब दोस्तों आप कहां से बिलोंग करते हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना और जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस बताया इसके थ्रू कौन कौन भाई लोगों ने अकाउंट को ओपन किया वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना और अगर आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी सही लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।